जिले में यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने वाले एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा का इसी पद पर कासगंज जिले में तबादला हो गया है। एसपी ट्रैफिक के तबादला होने के बाद शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। इस मौके पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अपने विदाई समारोह के बाद गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए निवर्तमान एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा कि जिले में लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुधारने तथा लोगों को हेलमेट पहनने सहित अन्य नियमों का पालन करने के लिए जो कार्य किया गया उसमें जनता का बहुत ही सहयोग मिला है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि हम रहें या दूसरा कोई अधिकारी हो, लेकिन आप ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें जिससे आपकी ज़िंदगी सलामत रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए निवर्तमान एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, उपलब्धि ये कि हम लोगों ने यहाँ पे आके जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, हम लोगों ने उसी गरिमा के अनुरूप यहाँ पर परिश्रम किया और लोगों को यातायात के विषय में जानकारी दी, यातायात के विषय में जागरूक किया और उनको हेलमेट पहनने के लाभ बताए, सड़कों पर यातायात के नियमों का पालन करने के लाभ बताए। तो उस प्रयासों से यहाँ पर लगभग जो है हम लोगों लगता है कि हम लोग कुछ हद तक सफल हुए और देखने में जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि लगभग 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट लगा रहे हैं, चौराहों पर लोग इशारा करने पर रुक रहे हैं और अपने आप एम्बुलेंसेस को रास्ता दे रहे हैं और मतलब जितने भी यातायात के नियम हैं पुलिस का सम्मान कर रहे हैं, यातायात पुलिस का सम्मान कर रहे हैं, हमारे होमगार्ड्स के मनोबल का प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अपनी उपलब्धि में मानते हैं और इसके लिए हम गोरखपुर की जनता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और अमल पे लाए। साथ में ही हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हम यहाँ पे हों या ना हों, लेकिन आप लोग यातायात के नियमों का पालन करिए, हेलमेट पहनिए और जो यातायात के विषय में हम लोगों ने आपको जागरूक किया है उनको अपनाइए, अपने जीवन को बचाइए, अपने परिवार में खुशहाली रहिए। सर, कोई कमी रह गई जो अभी किस कमी? नहीं, हमें ऐसा कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। हम लोगों ने अपना जो पूरी क्षमता से यहाँ पर प्रयास कर लिया तो हमें किसी प्रकार की कोई कसक नहीं है कि हमने ये पिक नहीं किया, और हमने सब कुछ कर लिया यहाँ पे और उसका परिणाम भी हमको दिखाई पड़ता है। जनता का कितना सहयोग रहा? जनता का पूरा सहयोग रहा। जनता धीरे धीरे समझने लगी कि हम उसके लाभ के लिए ही ऐसी बातें कर रहे हैं। सर, कोई अपील जनता से आप? हमारी यही अपील है कि सब लोग हेलमेट धारण करें और दोपहिया सवारी पे 3 लोग ना चलें, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं और मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन ना चलाएं। यही हमारी अपील है और अपना जीवन बचाएं। सर, आपके साथ तमाम लोग कार्य किए, उनके लिए क्या है? हमारे साथ में जो कार्य करने वाले हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि प्रशासनिक सेवाओं में हम लोगों को कहीं पर सख्ती दिखानी पड़ती है, कहीं पर नरमी दिखानी पड़ती है, तो हमने जो भी अगर सख्ती दिखाई होगी तो वो हमने आपके लाभ के लिए दिखाई है, गोरखपुर की जनता के लाभ के लिए दिखाई है। इसमें हमारा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं रहा, हमने जो भी कार्य किया प्रशासन के हित में किया। सर,